नमस्कार, पी न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पी न्यूज, मैं हूँ कृष्ण कुमार। संजय सिंघिया के खुशी गारमेंट्स में आग लगने से लाखों की क्षति हुई है। बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंघिया थाना क्षेत्र के सिंघिया बाजार स्थित सुभाष चौक पे खुशी गारमेंट्स में बीती रात्रि में आग लग जाने से लाखों रुपया की क्षति हुई है। बहुत बेशकीमती कपड़ा जल गया है। मौके पर सिंघिया के फायर ब्रिगेड के टीम मनीष कुमार ने दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम किया। बताया गया कि बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गया था। देखिए हाई ब्रिगेड का ये हाल है। सिंघिया ब्रिग देखिए, राजू आगे से राजू आगे वो साइड में जल्दी मारे, जल्दी वो कपड़ा चल रहा है। मीटर के नाम मत लेना, मीटर के नाम भूल के मत लेना। खराब हो गया ना, बोल नहीं चला। जनरल का एक साइड, जनरल का एक साइड, एक साइड जनरल का एक साइड भुइया रख। अरे चुप करवावा ना, भाग ले, भाग ले, लोग क्या करेंगे। राजू जलन का एक जगह रखिए। सब कपड़ा बर्बाद चेक करवाए। पानी शायद कह दिए हल्को जल रहा है। जलको ले लीजिए सर, जलको का ले लीजिए। वीडियो नहीं बना रहे सर, खाली फोटो ही ले रहे हैं।
वीडियो बनाइए तब ना पता लगेगा कितना जला है क्या हुआ है। हो गया बंद हो गया देख लीजिए मैं तो ला लीजिए वीडियो बनाया भूलिया भेज देंगे देख लीजिएगा आप बच्चा को जैसा चाहिए उठा दीजिए तुम। अरे भाई रखो ना पहले ही चिंगारी इसमें जाएगा हाँ ये बाप पूरा लल्लू में है ना हाँ पूरा लल्लू में है ना पूरा अरे तुम लोग कम निकल बाहर निकल बाहर निकल अरे बाहर निकल चल बाहर निकल अरे बाहर निकल चल बाहर निकल बाहर निकल अभी ना मैं जाल देते हमारा जाल देता आगे नहीं तो मोबाइल देखो कपड़ा खराब थे भेजल कानी चाम को रखते नीचा नीचा कानी चाम को रखते बोलिए एक बात बताइए आग लगने का कारण क्या है आग लगने का कारण क्या है आग लगने का कारण यही है बिजली विभाग की वजह से हुआ है बिजली विभाग के आग लगने का कारण यही है बिजली विभाग की वजह से हुआ वायरिंग सही नहीं हुआ है इसकी सॉकेट से होने के प्रॉब्लम से आग लगा है मीटर के कारण ना मीटर कारण वायरिंग के कारण अच्छा इसमें लगभग नुकसान कितना है इसमें नुकसान तो 2.5-3 लाख से ज्यादा है लगभग हाँ लगभग 2.5-3 लाख से ज्यादा नुकसान मतलब ज्यादा ही है आप अपना अंदाज लगाए हैं अंदाज लगाए इतना का नुकसान हुआ है बहुत हुआ है हम शुरू से अंत तक हैं अभी सब बाहर निकाल दी भैया मिल जाए वाला कभी